प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न है इफ 3 cot A = 4 देन प्रूफ दैट 1 - 10² a / 1 + 10² = cos² a - sin² a। इसका वो हिंदी में समझिए। यदि 3 cot A = 4 हो तो दर्शाइए कि या साबित कीजिए कि 1 - 10² a / 1 + 10² a = cos² a - sin² a। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है उससे चलेंगे। पहले देखिए इसको, इस टाइप का प्रश्न एक और बनाए थे पिछले क्लास में। पहले तो दिया है आपको 3 cot A = 4। पहले त्रिकोण मितीय अनुपात का मान निकालिए, cot A इक्वल हो जाएगा 4/3। अब याद कीजिए सूत्र में बताए थे कि cot A बराबर जो सूत्र होता है वो आधार बट्टे लंब, यानी B/P। अब समझिए कि ये आधार और ये लंब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B/P। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा आपको B और ये हो जाएगा आपको P। B = 4 और P = 3, लेकिन साबित क्या करना है 10। और इसमें देखिए कॉस और साइन है, तो कॉस और साइन में जो फॉर्मूला होता है, साइन का बताए थे P/H और कॉस का बताए थे B/H। सबसे पहले H का आवश्यकता होता है। H को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालिएगा। सबसे पहले सूत्र बताए थे, कर्ण निकालना है, सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो H बराबर √P² + B² √P का मान देखिए, P का मान यहाँ जो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 × 3 = 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 × 4 = 9 + 16। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ा जाए, 16 × 9 हो जाएगा 25 और 25 का जो निकालिएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ये आपको 5, एच का मान आ गया 5। अब जो साबित करना है इस पर ध्यान देना है, दोनों को एक साथ भी लिया जा सकता है, या तो पहले LHS और उसके बाद RHS लेकर के दोनों को अलग अलग दर्शाएंगे। यदि LHS और RHS परस्पर बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये साबित हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से ही लेके चलते हैं, LHS से, फ्रॉम LHS। अब देखिए LHS आपका है 1 - 10² a / 1 + 10² a। अब इसे मान रखिए या यही रखते चलिए, 1 है तो 1 माइनस, सूत्र तो जानते ही है P/B, यहाँ P/B फार्मूला लिख देते हैं याद रखने के लिए। फिर यहां देखिए 1 + P/B। अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे इसमें, 1 - P का मान देखिए 3, तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे दोनों पर। अब देखिए 1 है तो 1 + P/B सेम फॉर्मूला, 3/4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 माइनस, स्क्वायर का अर्थ हुआ कि 3 पर भी स्क्वायर और यहाँ 4 पर भी स्क्वायर, ये पूरे होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ पर 4 का है तो 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर नीचे में भी सेम है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन को। अब देखिए 16 और इसके नीचे में छिपा हुआ रहता है, 1 और 16 का LCM लीजिएगा तो 16 आएगा, फिर 1 से भाग दीजिएगा 16 में तो 16 बार में कटेगा, फिर 16 को क्या करते हैं ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो यहाँ 16 × 1 = 16, फिर माइनस, फिर 16 से 16 में भाग दीजिएगा तो एक बार में डिवाइड होगा, इसके बाद जो है ऊपर वाला से उसको क्या करते हैं गुना करते हैं, 9 × 1 = 9 ही आएगा, भिन्न का घटाव किए हैं ऊपर में, नीचे में सेम, भिन्न का जोड़ करेंगे। अब यहाँ देखिए
16 एलसीएम ले लेंगे, सेम कंडीशन है सिर्फ इसमें प्लस है, तो 16 प्लस 9। अब इसको चाहिएगा तो यहाँ से 16 और 16 काट सकते हैं, भिन्न का भाग का नियम के अनुसार हम लोग इसको काट सकते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 9 जोड़ेंगे 25। ये सिर्फ एलएचएस हुआ। अब आरएचएस को देखते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए आरएचएस और एलएचएस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार और चलेंगे आरएचएस से, आरएचएस से चलिएगा तो आरएचएस में देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस, इसका फॉर्मूला जो होता है बी बाय एच का स्क्वायर माइनस साइन का होता है पी बाय एच। अब देखिए इसमें मान रखिए, बी का मान देखिए 4 और पी का मान 3 है, एच का मान दोनों के लिए समान किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात में बताए थे। कर्ण जो होता है कांस्टेंट रहता है, बाकी जो होता है वो स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। तो बी का मान आपको 4 और यहाँ है 5, स्क्वायर कर लीजिए माइनस। फिर पी का मान यहाँ पर है आपको 3/5 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। अब देखिए स्क्वायर, अभी तुरंत सॉल्यूशन में बताए थे कि होल स्क्वायर जब रहे तो समझ जाना है कि यहाँ 4 पर भी पावर 2 देना है और 5 पर भी पावर 2 देना है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको भिन्न का घटाव कीजिएगा, देखिए हर समान है, इसको डायरेक्टली रूप से बना सकते हैं। 16 में से 9 घटा दीजिए तो ये आपको 7/25 आएगा। अब देखिए मैच कीजिए इसमें, ये रहा एलएचएस का मान और ये रहा आरएचएस का मान। जैसे ही दोनों बराबर आएगा अंतिम में हम लोग लिख देंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। अब हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे इसको। तो यही था प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन, किस तरह से हम लोगों ने क्या किए हैं, इसको मान निकाल करके LHS और RHS का मान निकाल करके देखेंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया, नहीं तो नहीं हुआ प्रूफ। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे, एक और बचा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न समझिए पहले, त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर जो है आपको 90 डिग्री यानी कि समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान कहता है ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान ज्ञात करना है देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। फिर यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, दोनों में से किसी एक का सॉल्यूशन करेंगे और एक खुद आप लोग बनाइएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ टेन ए के लिए दिया है, लेकिन यहाँ देखिए तो कॉस सी भी है, बताए थे मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोण पर ध्यान देना पड़ता है, तो कौन के लिए यहाँ ए है लेकिन यहाँ ये देखिए प्रश्न में सी भी है, इसीलिए पहले फिगर बनाकर हम लोग देखेंगे कि किस कौन के अनुसार जो है ये मान दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि टेन ए बराबर है 1/√3, इसका मतलब है एंगल ए के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे और बी पर 90 डिग्री देखिए बन रहा है यहाँ प्रश्न के अनुसार, तो बी यहाँ लिखेंगे। अब टेन ए बराबर 1/√3 दिया है, याद कीजिए टेन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब किसको पहचानने के लिए बताए थे, लंब किस भुजा को कहेंगे, जिस भुजा के सामने का कोण जो न्यून कोण होता है अर्थात न्यून कोण के सामने की भुजा, तो यहाँ ए है तो ए के जस्ट सामने हो गया लंब, इसका मतलब है टेन ए वाला ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला आधार, ए के सामने एक और ये हो जाएगा √3। अब देखिए पता हो गया टेन ए बराबर 1/√3, अब ज्ञात क्या नहीं है तो ए सी। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में चले जाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए ए सी निकालना है, डायरेक्ट रूप से हम लोग करते हैं, स्क्वायर हटा कर रूट ओवर हो जाता है। अब देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर √, ए बी का मान देखिए √3, फिर प्लस एक का स्क्वायर, बताए थे रूट जो होता है स्क्वायर से समाप्त हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 प्लस एक √4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये आ गया ए सी का मान। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप
सबका मान रखेंगे। सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन ए के लिए, ए के लिए लंब क्या हुआ बी सी, साइन का सूत्र लंब बटे कर, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी गुने कॉस सी के लिए, देखिए कॉस सी के लिए, कॉस के लिए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, सी के सामने हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार, यानी कि बी सी बट्टे फिर ए सी प्लस कॉस ए, देखिए कॉस ए यहाँ है ए, तो कॉस के लिए ए के लिए आधार कौन होगा, ये होगा क्योंकि सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ए बी बट्टे ए सी गुने साइन सी के लिए, देखिए साइन सी, सी के जस्ट सामने लंब क्योंकि साइन का सूत्र लंब बट्टे कर्ण होता है। अब यहाँ सी के लिए देखिए, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी। सबसे पहले तो ये याद रखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जितना बताए थे उस सब का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बेसिक रूप से जो बताए थे। अब देखिए इसे मान पुट करेंगे, अब बी सी का मान जो आया है, बी सी का मान पहले से दे रखा है एक, एक बट्टे दो गुने एक बट्टे दो, फिर प्लस रूट थ्री बाय टू इंटू, फिर हो जाएगा रूट थ्री बाय टू। अब इसको देखिए, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कीजिए, भिन्न का गुना है, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक, और फिर नीचे वाला यानी कि हर को हर से गुना कीजिएगा, दो गुने दो चार हो जाएगा, फिर जोड़ का चिन्ह दीजिएगा रूट तीन और रूट तीन, तो तीन बट्टे चार, कैसे तीन आया समझिए, रूट तीन गुने रूट तीन रूट अंडर नौ और नौ का वर्गमूल तीन, यानी रूट तीन गुने रूट तीन होगा रूट अंडर नौ, नौ का वर्गमूल तीन, या बताए थे रूट तीन गुने रूट तीन रूट तीन का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट समाप्त। आप देखिए तीन और एक जोड़िएगा तो चार बट्टे चार, क्योंकि हर समान है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं चार सौ चार कट गया, इसका आ गया एक, यही इसका हो गया परफेक्ट आंसर। आप देखिए जस्ट लाइक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी मान पुट करेंगे तो आसान।